बरनाला में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खेती कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज और किसान यूनियन के झंडे लगाए हुए थे। बड़ी गिनती में इकट्ठा हुए किसानों ने बरनाला शहर के सभी बाजारों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इकट्ठा हुए किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए खेती कानूनों को रद्द करने की मांग की। इस मामले पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं जगसीर सिंह, बलवंत सिंह, पवित्र सिंह, करनैल सिंह गांधी, परमिंदर सिंह और मंजीत कौर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो खेती कानून किसानों पर थोपे गए हैं, उसका विरोध लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है। इन खेती कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बरनाला शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि आज देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन किसानों, मजदूरों, नौजवान और बाकी वर्गों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से असल आजादी होनी चाहिए थी, वह आजादी किसी भी वर्ग को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में बेरोजगारी, नस्लवाद आदि कुरीतियां खत्म नहीं होंगी, तब तक आजादी के कोई मायने नहीं है। वहीं इस मौके पर किसानों ने नारा दिया कि मोदी सरकार गद्दी छोड़ो और कॉरपोरेट घराने खेती छोड़ो। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चे वालों आर्डर सीगा कि पूरे भारत के अगे असी कालिया झंडिया दिखाते होंगे, अज पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय झंडा ला के आपसे झंडे ला के पूरे बाजार के प्रदर्शन किया। दाणा मंडी चो चल के स्टेशन से पहुंचे है, क्योंकि जिम्मे संयुक्त मोर्चे वालों हुक्म आता गा उन्होंने असी उवें जिम्मे नौ पर नौ मना के संयुक्त मोर्चे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।